इसके अलावा टाटा समूह के लिए भी ये एक बेशक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन लंबे वक्त तक वो टाटा समूह के चेयरमैन रहे। टाटा समूह की गद्दी लंबे वक्त तक उनकी ओर से संभाली गई थी, 1990 से साल 2012 तक। उसके बाद साइरस मिस्त्री को उत्तराधिकारी बनाया गया और उसके बाद उनको कार्यकारी अध्यक्ष भी यहाँ पर बीच में बनाया गया था 2016 से 2017 के बीच में, जब साइरस मिस्त्री ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। तो बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ पर उनको मिली और जैसा लगातार हमारे सहयोगी भी हमें बता रहे थे कि हाल के दिनों में उनकी तबीयत कुछ नासाज थी और इस कारणवश वो तमाम ऐसे जो बड़ी मीटिंग्स होती थी टाटा ग्रुप्स की उसमें शिरकत नहीं कर पाते थे। और ऐसे में जब पता चला कि उनको सांस लेने में कुछ तकलीफें यहाँ पर सामने आ रही हैं, उसके बाद उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और रतन टाटा के बारे में कुछ रोचक तत्व भी यहाँ पर लगातार हम आपको बता रहे हैं, कब उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, 1975 में हॉवर्ड से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम उन्होंने लिया और 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष वो यहाँ पर बन जाते हैं। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में उन्होंने जन्म लिया था। मात्र 10 साल के थे जब उनके माता पिता अलग हो गए थे, लेकिन उनकी दादी ने उनकी देखरेख की, उन्होंने उनको पाला पोसा और मुंबई में ही ऐसे में उनकी रहकर पढ़ाई पूरी हुई अपने भाइयों के साथ। फिर वो US चले जाते हैं, अमेरिका जाकर वहाँ पर आर्किटेक्चर की पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनकी ओर से की गई और उसके बाद तमाम एक नए विजन के साथ वो भारत आते हैं। भारत जब आए तो उनको कमान सौंपी गई टाटा ग्रुप्स की, और टाटा ग्रुप्स की कमान जब उनको सौंपी गई तो उसके बाद कई सारी नई नई उपलब्धियों की ओर लगातार टाटा ग्रुप आगे चलता रहा। और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ही अंतिम सांस ली है रतन टाटा ने, और ऐसे में हमारी सहयोगी रचना इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं। रचना, फिलहाल क्या तस्वीर वहां पर, जो शुभचिंतक हैं क्या वो आने शुरू हो चुके हैं? हाँ जी, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी ये बैरिकेड्स लगना शुरू हुए हैं। मुझे यहाँ पर आके थोड़ी देर हो गई है, लेकिन पहले ये बंदोबस्त शुरू नहीं हुआ था। बस अभी कुछ ही मिनट हुए हैं कि बैरिकेड्स आ गए हैं, पुलिस का बंदोबस्त शुरू हो गया है। जैसे ये खबर ट्विटर और हर जगह पे आना शुरू हुई है कि रतन टाटा जी का दुखद निधन हुआ है, वैसे ही अभी हमें खबरें आ रही है कि उनके शुभचिंतक बस थोड़ी ही देर में आते होंगे। और उनमें से पहला नाम जो है वो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का, जो कि आधे घंटे में यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अब ये हमें मंडे को पता चला था कि इनकी तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, इसलिए उन्होंने एक ट्विटर पे स्टेटमेंट भी इशू करा था ये कहकर कि थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, और उन्होंने एड्रेस करा था कि वो इंडीड ये हॉस्पिटल में है और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन आज शाम से ही हम देख रहे थे कि हलचल थोड़ी चल रही थी हॉस्पिटल के बाहर, बॉम्बे हाउस के बाहर, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही हम ये पता चला कि ये कन्फर्म हो चुका है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जब तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं। और रतन टाटा भले ही बहुत बड़े उद्योगपति और बिजनेसमैन वो रहे हों, उद्योग जगत में उनका एक अलग नाम हो और बहुत तहजीब के साथ उनका ये नाम यहाँ पर लिया जाता है, लेकिन बहुत ही साधारण उनकी जो जीवनी थी, जो पर्सनालिटी थी, बेहद साधारण थी। वो एक साधारण जीवन जीना भी यहाँ पर पसंद करते थे। बहुत सारी उपलब्धियाँ और पुरस्कार उनके नाम पर यहाँ पर थे। पद्म भूषण से भी उनको साल 2000 में सम्मानित किया गया था। और अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, उद्योग जगत के लिए बहुत बड़ा शून्य है रतन टाटा जी का जाना। तो अंतिम सांस यहां पर ली है, मात्र 86 साल की उम्र के थे रतन टाटा, और ऐसे में उनकी जो सांस लेने में तकलीफ थी वो लगातार बढ़ रही थी। फिर उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, ब्रीच कैंडी अस्पताल में, और ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद 2 से 3 दिन तक लगातार उनका इलाज भी वहां पर चला, लेकिन आज 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, दुनिया को अलविदा यहाँ पर कह दिया। जो उपलब्धियाँ और पुरस्कार उनको यहाँ पर दिए गए थे उनका जिक्र करना भी बेहद ज़रूरी है। पद्म भूषण, जो कि भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, साल 2000 में उनको दिया गया। इसके अलावा ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे का पदक भी उनके नाम था। अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार ब्रिनाई ब्रिथ इंटरनेशनल 2005 में उनको दिया गया। ये तमाम उपलब्धियां उनके नाम है और आज लोग उनको इन्हीं उपलब्धियों से याद भी करेंगे, उनके विचारों से उनको याद करेंगे। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, बहुत बड़ा शून्य है पूरे उद्योग जगत के लिए, खासतौर पर टाटा ग्रुप के लिए भी।
ये बहुत 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 बड़ी बहुत बड़ी क्षति है, कम से कम पूरे देश के लिए और भारत के उद्योग जगत के लिए बहुत बड़ा झटका है। रतन टाटा का चला जाना, 86 साल की उम्र में मुंबई में उनका देहांत हुआ है, और रतन टाटा एक ऐसी मिसाल हैं जो भारत के उद्योग जगत को एक नई पहचान देने में और भारत के उद्योग जगत को आके आधुनिकीकरण की एक बहुत बड़ी मिसाल है। अगर टाटा को देखें तो टाटा भारत में सरकारी उद्योग, रेलवे के बाद और उन बड़ी कंपनियों के बाद, बड़े बड़े सरकारी उपक्रमों के बाद, उन वैसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा इम्प्लॉय भारत के लोगों को करती है। और हर जगह अगर टाटा के अगर आप उद्योग धंधे देखें जिनको जहाँ पे पीढ़ियों से लोग टाटा में काम कर रहे हैं, तो एक कमिटमेंट, एक लोगों को जोड़ने का तरीका और भारत के समुदाय, भारत की जनता के साथ उनको एक सिक्योरिटी देना, जॉब सिक्योरिटी देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी टाटा की, जिसको रतन टाटा ने आगे बढ़ाया। और एक विजनरी लीडर थे वो, जिन्होंने न सिर्फ अगर नैनो को लेकर, अगर नैनो जो आम आदमी की कार है, जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसका पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा हुई, नैनो कार लेकर आए थे, भले ही उसको लेकर शुरू में विवाद हुआ, लेकिन उनको आनंद फानंद प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में जगह दी और नैनो का उत्पादन शुरू हुआ। 1 लाख रुपए में लकटकिया कार जिसको कहते थे, ये रतन टाटा की ही दिमाग की उपज थी जो भारत की जनता को ये कार के उद्योग में एक बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ी उपलब्धि जिसे कहा जा सकता है, ये हुई थी। तो सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में नहीं, अगर टाटा के ट्रक्स देखें, टाटा के स्टील फैक्ट्रीज देखें, दुनिया भर में होटल, तो ताज ग्रुप ऑफ होटल्स है, ये तमाम चीज़ें देखें जिसके एक्सपेंशन में दुनिया भर के बड़े बड़े कंपनियों का अधिग्रहण भी टाटा ने किया है। तो टाटा और अगर भारत में अगर टेलीकॉम रिवॉल्यूशन की बात करें तो उसमें भी टाटा का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो रतन टाटा के जो 86 साल थे अत्यधिक बेमिसाल रहे हैं और टाटा का जो भारत के उद्योग जगत में, जो इनके नेतृत्व में भारत के आग को आगे बढ़ाने में, भारत के औद्योगिक इस तरह से आगे रहा है, वो एक बेमिसाल है और इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये अपूर्णीय क्षति है और मुझे लगता है कि पूरा भारत और पूरा उद्योग जगत कम से कम इनके नहीं रहने का नुकसान काफी अक्सर झेलेगा और इनको मिस करेगा। जी बेशक, यहाँ पर जरूर ये मलाल भी रहेगा और एक बहुत बड़ा झटका भी पूरे उद्योग जगत के लिए, पूरे देश के लिए आज के दिन यहाँ पर है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, इससे पहले हमने एक तस्वीर दिखाई थी जब लॉन्च हुई थी टाटा नैनो, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब गुजरात की कमान उनके हाथ में थी, तो वो लॉन्च होती हुई तस्वीर भी हमने दिखाई यहाँ पर। लेकिन किस तरीके से विश्व में भी एक बहुत बेहतरीन छवि लेकर चलते थे रतन टाटा, मतलब जितने भी जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष थे वो उनसे प्रेरणा लेते थे, उनसे वो प्रभावित थे। और अमिताभ जी लगातार यहाँ पर हमारे साथ क्योंकि जुड़े हुए हैं, अमिताभ जी देखिए उनका जो कार्यकाल है वो आपने बेशक यहाँ पर देखा भी होगा, बहुत अच्छे से आपने यहाँ जिक्र भी किया, विश्वसनीयता की जो एक छवि थी, क्रेडिबिलिटी की एक जो छवि थी, उनके नाम से जुड़ी हुई थी, टाटा ग्रुप से आज भी वो जुड़ी हुई है। बिल्कुल, टाटा भारत की पहचान है। अगर जमशेद जी टाटा को देखिए, जिन्होंने टाटा के पूरे ग्रुप की स्थापना की थी और देश के उन हर राज्य में टाटा के बड़े बड़ी कंपनियां देखे, अगर बिहार के झारखंड के जमशेदपुर में टाटा की कंपनी ऐसी है जैसे लगता है जमशेद जी टाटा के नाम से जमशेदपुर ही बना हुआ है। तो एक उस विरासत को आगे बढ़ाना कोई छोटी बात नहीं थी। भारत में अगर एयरलाइंस की शुरुआत हुई है तो टाटा के द्वारा ही हुई है। अगर भारत में एयर इंडिया को किसी ने खरीद कर उसके रिवाइवल की बात की है, जो एकदम डूबी हुई सरकारी कंपनी थी, आज भी जो भारत का एयरलाइंस उद्योग है उसमें सबसे बड़ा योगदान अभी रतन टाटा का है, जिनके विजन ने और उनके विजनरी मार्गदर्शन ने जिसने इस एयरलाइंस को आगे बढ़ाया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत में अगर उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया तो उन्हें 2023 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से और 2014 में ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से भी उनको सम्मानित किया गया है। और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ा हुआ आदमी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा हुआ एक इंसान, जो कि भारत वापस आकर भारत में अब टाटा उद्योग की नींव जो रखी गई थी उसको बड़ा पेड़ बनाने में जो रोल रहा है और भारत को टाटा के नाम से जो पहचान दुनिया भर में दी है वो अतुलनीय है। बेशक वो अतुलनीय है।
और इसीलिए उनको हमेशा हमेशा यहाँ पर अब जहन में हर कोई ज़रूर याद करेगा उनके कामों के लिए, उनके विचारों के लिए, उन्होंने जो पूरे विश्व को प्रेरणा दी उसके लिए। इसके साथ साथ हम लगातार वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर की, जहां पर अब हलचल थोड़ी तेज़ होती हुई यहां पर ज़रूर दिख रही है। और ऐसे में तमाम जो शुभचिंतक हैं उनके अब अस्पताल के बाहर इकट्ठे होने भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर सबके लिए, एक झटका इस खबर ने दिया। 86 साल की उम्र थी रतन टाटा की, 2 से 3 दिन पहले उनको ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सांस लेने में कुछ दिक्कतों का सामना उनको यहाँ पर करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वो काम कर रहे थे, अपने काम में वो एक्टिव थे। जितनी भी मीटिंग्स होती थी टाटा समूह की, उसमें वो शिरकत करते थे, फैसले अब भी वो लेते थे। लेकिन जब इधर कुछ दिनों से उनकी तबीयत नासाज हुई तो उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, और आज ये खबर सामने आई कि 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। अमिताभ जी लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, इससे पहले हमने अपनी एक सहयोगी से भी बातचीत की थी, तो उनका ये कहना था कि काफ़ी दिन पहले तक भी वो लगातार काम कर रहे थे, मीटिंग्स में हिस्सा ले रहे थे, फैसले उनकी ओर से लिए जा रहे थे, और जब उनको थोड़ी सी उनकी तबीयत यहाँ पर ख़राब हुई तब उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। यानी कि 86 साल की उम्र में भी वो एक्टिवनेस उनके शरीर में उस वक्त भी थी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दुखद और पूर्णिय क्षति है भारत के लिए। और अगर टाटा को देखा जाए तो रतन टाटा का निधन हुआ, 86 साल के थे और सबसे बड़े कारोबारी ट्रस्ट के चेयरमैन थे वो, और ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनकी मौत हुई है। बढ़ती उम्र थी, 86 साल थी, परेशानियां बहुत थी, लेकिन काफी समय से अगर पद्म विभूषण से उनको एक बड़े उद्योगपति को सम्मानित किया जा रहा है तो पूरे देश भर के लोगों के मन में भी उनके लिए बड़ा असीम सम्मान था। और सबसे बड़ी बात जो कही जा सकती है वो ये है कि वो अपनी ईमानदारी, अपने नैतिक नेतृत्व और परोपकार की बड़े बड़ी मिसाल थे। उन्होंने बिजनेस जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्री है, और इनसे अलग भी अपनी दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। फिलान्थ्रोपिस्ट, बहुत बड़े फिलान्थ्रोपिस्ट थे, लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे। इसीलिए अगर भारत का उद्योग जगत कह रहा है कि वो उनकी स्मृतियों में हमेशा बहुत आगे रहेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज तो एक बात तो और साफ है कि रतन टाटा के नेतृत्व में ही टाटा ग्रुप ने, टाटा समूह ने बड़ी बुलंदियों को छुआ था। 1991 में टाटा समूह के चेयरमैन बने थे, तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना टाटा समूह ने पीछे मुड़कर देखा। वो लगातार इस पद पर बने रहे और टाटा TCS का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जैसी कंपनियों की स्थापना भी की, टाटा को काफी आगे बढ़ाया, और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे वो। तो ये और अब जो पद्म विभूषण और पद्म भूषण से अगर भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया, दो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण 2008 में और पद्म भूषण 2000 में उनको सम्मानित किया गया है, तो ये भी उनके योगदान की पहचान है। जी बेशक, उनके योगदान की ये पहचान है जो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर टाटा ग्रुप्स भी जरूर याद रखेगा और ये देश भी जरूर याद रखेगा। ब्रीच कैंडी अस्पताल जहाँ पर रतन टाटा की ओर से अंतिम सांस ली गई है, वहाँ पर हमारी सहयोगी रचना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रचना, क्या तस्वीर वहां से फिलहाल? जी, अभी अब से कुछ ही देर पहले हमें ये पता चला कि उनका दुखद निधन हो चुका है। हमें ये भी मालूम पड़ा कि मंडे से ही उन्हें यहाँ पर भर्ती किया गया था। इनफैक्ट मंडे को जब ऐसी अफवाह चली थी तब उन्होंने खुद ट्विटर पे एक स्टेटमेंट डाला था, ये बोलते हुए कि एक तरीके का थैंक यू कहा था जो भी उनके बारे में सोच रहे थे, और एक अश्योरेंस दिया था कि सब कुछ फिलहाल तो ठीक है। लेकिन अब उस स्टेटमेंट को 2 दिन हो चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही हमें पता चला कि अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं। जैसे कि आपने कहा, वो एक जाने माने एंटरप्रेन्योर तो थे ही, उसके साथ साथ एक बहुत बड़े दिल वाले फिलैंथ्रोपिक थे, तो ये काफ़ी डीप लॉस है पूरे इंडिया इंक का, पूरी इंडियन सोसाइटी का। हमें यहाँ पर मालूम पड़ रहा है ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के बाहर कि अभी शुभचिंतकों की गाड़ियाँ आना शुरू हो चुकी है। थोड़ी ही देर में उप मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं। अब तक हमें यही पता चला है, हम जुड़े रहेंगे। जी, और सपना हमारी सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सपना, क्या जानकारी आपके पास? देखिए शिवानी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं ब्रिज कैंडी अस्पताल जा रही हूं और 10 मिनट का रास्ता और है, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। बहुत दुखद खबर है वाकई शिवानी, ये आपके लिए, मेरे लिए, पूरे देश के लिए। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं उसी फ्लाइट से आई आज मुंबई जिस फ्लाइट को टाटा कंपनी ओन करती है, यानी कि एयर इंडिया। मैंने नहीं सोचा था कभी भी कि मुंबई एंटर होते ही ये खबर मिलेगी। ये वाकई दुखद खबर है, परेशान कर देने वाली खबर है।
रतन टाटा सिर्फ एक शख्स नहीं है, ऐसे लोग शायद जन्मों में जन्म लेते हैं जो किसी भी पीढ़ी को इंस्पायर करते हैं, जो एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते तो इंस्पायर कर ही रहे हैं, एक इंसान होने के नाते कितना इंस्पायर करते हैं। क्या आप और मैं इस बात की चिंता करेंगे कि कोई अगर स्कूटर पर जा रहा है तो हम उसके लिए भी इन्वेंशन करें? लेकिन उस व्यक्ति ने चिंता की और उसने एक ऐसे व्हीकल का ईजाद किया जो एक आम आदमी तक भी पहुँचे, ना केवल उनके लिए बल्कि वो बेजुबानों के लिए भी एक भगवान की तरह थे, कुत्तों के लिए और सभी जानवरों के लिए उन्होंने एक अस्पताल खोला हुआ था। तो इस तरीके के लोग ना युग पुरुष कहलाते हैं, ऐसे लोग युगों में जन्म लेते हैं और उनका जाना एक ऐसी क्षति है जो कोई नहीं भर सकता। शिवानी, मैं अभी यहाँ से गुजर रही थी, सीलिंग के पास एक ताज होटल है यहाँ पर, तो देखकर फिर से जहन में आया कि ये भी रतन टाटा की ओर से अब ओन किया जाता है। रतन टाटा वो व्यक्ति जो निचले स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक के आदमी सबका ख्याल रखते थे। अगर निचले स्तर का आदमी है तो उसके लिए हम कैसे काम करेंगे, और जो ऊंचे स्तर का आदमी है उसे लग्जरी के लिए भी कैसे काम किया जाए। और आज से नहीं, आजादी के वक्त से वो लगातार काम कर रहे हैं। और क्या बात की जाए उनके संघर्षों की, ये मुंबई की सड़कें उनके संघर्षों की कहानी को गवाह करती हैं, उनके पिता की कहानी को संघर्ष के गवाह करती हैं कि यहाँ पर कॉटन की जो है सबसे पहले मील ओपन की गई। और उसके बाद ऐसे, शिवानी आप भी इस बात को मानेंगी, ऐसे लोग कम होते हैं जो अपने माँ बाप के जो बिजनेस है उसको आगे लेकर जाएं। लेकिन रतन टाटा वो व्यक्ति थे जो उनके पिता ने उनको विरासत में दिया, वो उसे आगे लेकर गए हैं और बखूबी आराम से लेकर गए हैं। आपके और मेरे माता पिता ये सोचेंगे कि शायद हम अपने बच्चों को विरासत में वो कंपनियां दे दें, लेकिन रतन टाटा एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो बोर्ड की मीटिंग से दूर हो गए, किसी और को उन्होंने बोर्ड का मेंबर बनाया और चेयरमैन बनाया। क्यों? क्योंकि वो इस प्रथा को खत्म करना चाहते थे कि किसी एक परिवार का आदमी ही पूरी कंपनी को चलाएगा। तो शिवानी वाकई मतलब आपकी और मेरी आंखें तो भरी ही हैं, लेकिन आप सोचिए कि ये देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है। अब देश शायद रतन टाटा जैसा व्यक्ति दोबारा नहीं पाएगा। शिवानी, बेशक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति यहाँ पर टाटा ग्रुप्स के लिए, पूरे देश के लिए, हम तमाम देशवासियों के लिए। लगातार हम तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते जा रहे हैं, क्योंकि आज ही ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस उनकी ओर से ली गई है। रचना हमारी सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। रचना, आप कुछ देर पहले कह रही थी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी, देवेंद्र फडणवीस जी वहां पहुंचने वाले हैं, क्या वो वहां पर पहुंचे या इसके अलावा भी कौन वहां पर पहुंच चुका है? जी, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पुलिस का बंदोबस्त काफ़ी ज़बरदस्त शुरू हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा शुभचिंतक यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं थोड़ी देर में। जैसे कि मैंने कहा था, सबसे पहली खबर आई है उप मुख्यमंत्री की, तो हम यहाँ पर हैं सभी। इनफैक्ट जैसे कि आप देखेंगे कि सिर्फ जाने माने नाम ही नहीं, काफ़ी रतन टाटा जी के प्रशंसनीय जो लोग हैं वो यहाँ जमा हो गए। काफ़ी पर्सनल लॉस सा माहौल चल रहा है यहाँ पे, जो आजू बाजू के लोग हैं सब निकल कर आए हैं, इसलिए पुलिस काफ़ी ज़बरदस्त बंदोबस्त करे जा रहे है। इनफैक्ट हमें भी थोड़ा थोड़ा मूव किया जा रहा है अभी हॉस्पिटल की गेट से दूर, जैसे कि ट्रैफिक का फ्लो बना रहे। लेकिन अभी तक यहाँ पर हमने कोई बड़ा नाम देखा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं गाड़ियाँ आती जा रही है और हम आपको बताते रहेंगे यहाँ पर कौन कौन है। लेकिन यहाँ पे काफी दुखद माहौल फिलहाल। जी रचना, लौटेंगे आपके पास यहाँ पर। इस बीच हम कई सारी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये पुराने कई सारे वीडियोज इस वक्त आप देख रहे हैं टाटा मोटर्स के, जहाँ पर किस तरीके से टाटा नैनो को यहाँ लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रतन टाटा की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। क्योंकि जिनके बारे में कोई नहीं सोचता था, उनके बारे में रतन टाटा की ओर से यहाँ पर सोचा गया। उन्होंने सोचा कैसे गाड़ी को आम इंसान तक भी, आम आदमी तक भी उपलब्ध किया जाए, चार पहिया वाहन उन तक भी पहुँचे। और उस वक्त मात्र 1 लाख रुपये के आसपास इस टाटा नैनो कार की कीमत थी। और कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने इसको ख़रीदा भी होगा, वो अनुभव भी उनके पास होगा। इस बीच आपको बता दें, भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी की ओर से भी यहाँ पर ट्वीट किया गया है और उन्होंने भारत का अपने सबसे दयालु बेटा चला गया, ये उन्होंने लिखा। तो बड़ी खबर, मुकेश अंबानी ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है। ये भारत और भारतीय उद्योग जगत के लिए बहुत दुखद दिन है, ये उनकी ओर से लिखा गया। और रतन टाटा का निधन सिर्फ टाटा समूह के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति है। व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के निधन ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, क्योंकि मैंने एक प्रिय मित्र को खो दिया है। उनके साथ मेरी प्रत्येक बातचीत ने मुझे प्रेरित और ऊर्जावान बनाया और उनके चरित्र की महानता और उनके द्वारा अपनाए गए उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों के प्रति मेरा सम्मान बढ़ाया। रतन टाटा एक दूरदर्शी उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए प्रयास किया।
श्री रतन टाटा के निधन के साथ भारत ने अपने सबसे शानदार और दयालु पुत्रों में से एक को खो दिया है। श्री टाटा ने भारत को दुनिया भर में पहुंचाया और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीजों को भारत में लाया। उन्होंने टाटा घराने को संस्थागत रूप दिया और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय उद्यम बनाया, जिसने 1991 में चेयरमैन का पद संभालने के बाद से टाटा समूह को 70 गुना से अधिक बढ़ाया। रिलायंस नीता और अंबानी परिवार की ओर से मैं टाटा परिवार और पूरे टाटा समूह के शोक संतप्त सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। रतन, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, ओम शांति। मुकेश अंबानी की ओर से ये ट्वीट यहां पर सामने आया है, जहां पर उनकी ओर से भी शोक व्यक्त किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट सामने आया था, उन्होंने भी असाधारण व्यक्ति बताया रतन टाटा को, और ऐसे में उनकी ओर से भी शोक व्यक्त किया गया। रतन टाटा भारतीय उद्योगपति, जाने माने उद्योगपति, अपने विचारों के लिए अक्सर उनको जाना जाता था और टाटा समूह को जिस तरीके से वो लगातार आगे ले गए उसके लिए, उनके कार्यकाल के लिए उनको जाना जाता था। लेकिन आपको बता दें कि लंबे समय से वो बीमार भी चल रहे थे, जिसके बाद उनको ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इसके अलावा आपको बता दें, तमाम जो बड़े मशहूर लोग हैं उनकी ओर से यहाँ पर उनके लिए शोक भी व्यक्त किया जा रहा है, और ऐसे में खुद अंबानी परिवार की ओर से भी यहाँ पर शोक व्यक्त किया गया और मुकेश अंबानी ने अपना बयान यहाँ पर सामने रखा है, उन्होंने अपना शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट भी हमने आपको दिखाया था, जहाँ पर उन्होंने असाधारण व्यक्ति यहाँ पर बताया रतन टाटा को, उनकी ओर से शोक व्यक्त किया गया। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी सपना हमारे साथ जुड़ रही हैं। सपना, उद्योग जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर है, खासतौर पर अगर टाटा ग्रुप्स की बात करें, टाटा कंपनीज की बात करें, तो बहुत बड़ी क्षति उनके लिए, एक बहुत बड़ा शून्य। बिल्कुल शिवानी, मैं 5 मिनट में उस अस्पताल भी पहुंच जाऊंगी, फिर अस्पताल के बाहर की भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। और बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, आप सोचिए कहाँ आप टाटा यूज़ नहीं करेंगी। आप कपड़े पहनेंगी तो टाटा के कई ब्रांड्स हैं, जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स उनके हैं। आप गाड़ी चलाएंगी तो टाटा के बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। हर कोई ये चाहता है कि टाटा की एक गाड़ी तो उसके पास होनी चाहिए, लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल की वो थीम से लेता है। आप फ्लाइट से जाएंगे तो टाटा से आप जाएंगे, एयर इंडिया विस्तारा ऐसी फ्लाइट से आप लेंगे। आप बाकी चीज़ों में जाएंगे तो टाटा से, मतलब आप समझिए कि एक छोटा एंटरप्रेन्योर से लेके बड़े एंटरप्रेन्योर तक का उनका सोचना था, जो मैंने पहले भी कहा। और वो ये सोचते थे कि हमें हर क्लास को आपको सुविधाएं देनी है, और ये आज से नहीं है शिवानी। उनकी एक किताब है द स्टोरी ऑफ टाटा, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे मुझे हर वर्ग के लिए सोचना है, और शायद यही सोचते हुए नैनो गाड़ी का उन्होंने इजाद किया था। और इसी के साथ साथ उन्होंने बोर्ड मीटिंग में इस बात को कहा था कि आने वाले समय में मैं बोर्ड मीटिंग को छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उस परंपरा को चलने नहीं देना जा सकता हूं। और इसी के साथ में उस किताब में इस बात का जिक्र है कि मुझे वो ब्रांड खोलने हैं, वो चीज़ें खोलनी हैं, जिसका आगे आम व्यक्ति तक भी लाभ मिल सके। मैं नहीं चाहता कि एक ही व्यक्ति को, एक ही वर्ग को लाभ मिलता रहे। आमतौर पर उद्योगपति शिवानी ये सोचते हैं कि हम बड़े, हमारा एक जो वर्ग है ना, हम उसको टारगेट करेंगे, हम लग्जरियस ब्रांड भी निकालेंगे। लेकिन टाटा के साथ ऐसा नहीं था, रतन टाटा ऐसा नहीं सोचते थे। उनका यही सोचना था कि हम छोटे से लेके बड़े आदमी तक को, हर किसी को ये सुविधा देना चाहते हैं। रही बात एक व्यक्तिगत पहचान की, रतन टाटा की पहचान एक उद्योगपति के तौर पर ही नहीं थी। व्यक्ति ये भी सोचता है कि हर एक व्यक्ति को रतन टाटा जैसा आदमी बनना चाहिए, जो अवार्ड्स का भूखा नहीं है, जिसको अवार्ड नहीं चाहिए, जो आज भी चलने की स्थिति में ना रहे, लेकिन अगर किसी ने उनको इनवाइट किया है अपने फेलिसिटेशन प्रोग्राम में, अपने किसी भी प्रोग्राम में, तो वो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको बच्चों से लगाव था। वो ये चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी को कुछ चीज़ें दी जाए, बताया जाए, समझाया जाए। आज़ादी के वक्त में उनका बड़ा योगदान रहा। जिस वक्त अंग्रेज भारत छोड़कर गए, उस वक्त कॉटन जो है एक ऐसा उद्योग था जो आगे बढ़ने वाला उद्योग था, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को ही मालूम था। उन्होंने इंडिगो सिस्टम्स को शुरू किया कि कैसे जो है चीज़ों को आगे मैनेज किया जाए, लेकिन रतन टाटा और टाटा कंपनी को ही मालूम था। तो टाटा कंपनी ने इसको आगे बढ़ाया और रतन टाटा को उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है। मैं मुंबई का जिक्र कर रही हूँ और थोड़ी देर में मुझे लगता है कितना टाइम लगेगा दादा, और
पाँच मिनट और, पाँच मिनट में मैं अस्पताल पहुंच जाऊंगी, आपको अस्पताल की तस्वीरें दिखाऊंगी। ये मुंबई की सड़कें इस बात की गवाह हैं, यहाँ से बहुत सारे उद्योगपति निकले और उनमें से ही उद्योगपति एक रतन टाटा भी रहे हैं, उनमें से एक उद्योगपति टाटा भी रहा है, टाटा पूरा परिवार रहा है, जिसने यहाँ पर बहुत उद्योग किए, जिसने उद्योग का, जिसने यहाँ पर कॉटन का उद्योग किया, जिसने यहाँ पर मील्स बाकी लगाए हैं, जिसने यहाँ पर कई बड़े फ्रेंचाइजी, जो ताज जिसने एक नासूर झेला था उस आतंकवाद का, उस टाटा कंपनी ने ही उस ताज की छवि को लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर एक बार आप ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंच जाएं, तमाम जानकारी हम आपसे बेशक यहाँ पर लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, रतन टाटा के परिवार की ओर से भी एक बयान यहाँ पर जारी किया गया है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उनके बयान की ही तस्वीर है, क्योंकि पूरे परिवार के लिए भी बेहद ये इस वक्त शोक का समय है, और ऐसे में तमाम जो बड़े विशिष्ट लोग हैं उनकी ओर से भी यहाँ पर उनके शोक व्यक्त किया जा रहा है उनकी ओर से भी। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आप तक यहाँ पर पहुँचाया, और अब रतन टाटा के परिवार की ओर से भी एक बयान यहाँ पर जारी किया गया है। 86 साल की उम्र में अंतिम सांस यहाँ पर ली गई रतन टाटा की ओर से। 1937 में उनका जन्म हुआ, मुंबई में ही जन्म हुआ, उसके बाद वहीं मुंबई में ही उनकी पढ़ाई लिखाई यहाँ पर हुई, और पढ़ाई लिखाई के बाद फिर वो US चले जाते हैं, US में फिर आगे की पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद वापस जब भारत लौटते हैं तो टाटा कंपनीज की, टाटा ग्रुप की कमान उनको यहाँ पर सौंपी जाती है। इसके अलावा भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी की ओर से भी बयान जारी किया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये भारत और भारतीय उद्योग जगत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का निधन सिर्फ टाटा समूह के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति है। व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के निधन ने मुझे बहुत दुख पहुँचाया है, क्योंकि मैंने एक प्रिय मित्र को खो दिया है। उनके साथ मेरी प्रत्येक बातचीत ने मुझे प्रेरित और ऊर्जावान बनाया, और उनके चरित्र की महानता और उनके द्वारा अपनाए गए उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों के प्रति मेरा सम्मान बढ़ाया। रतन टाटा एक दूरदर्शी उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति थे, जिन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए प्रयास किया। श्री रतन टाटा के निधन के साथ भारत ने अपने सबसे शानदार और दयालु पुत्रों में से एक को खो दिया है। श्री टाटा ने भारत को दुनिया भर में पहुँचाया और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज़ों को भारत में लाया। उनने टाटा घराने को संस्थागत रूप दिया और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय उद्यम बनाया, जिसने 1991 में चेयरमैन का पद संभालने के बाद से टाटा समूह को 70 गुना से अधिक बढ़ाया। रिलायंस, नीता और अंबानी परिवार की ओर से मैं टाटा परिवार और पूरे टाटा समूह के शोक संतप्त सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। रतन, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, ओम शांति। मुकेश अंबानी की ओर से ये बयान यहाँ पर सामने आया है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर अपना शोक व्यक्त किया, और पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है। उद्योग जगत के लिए एक शून्य है रतन टाटा का जाना। 86 साल उनकी उम्र थी, और 2 से 3 दिन पहले ही उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब जब उनको सांस लेने में कुछ तकलीफें यहाँ पर महसूस हो रही थी। इस बीच पूरा देश जब उनको याद कर रहा है, तो ये तस्वीरें याद करना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। जिस तरीके का उनका कार्यकाल रहा, लगातार जो टाटा ग्रुप्स था वो नए आयाम छूता रहा, और हमेशा जो उनका विजन था वो कैसे निचले तबके तक के इंसान तक भी पहुंचना है, कैसे आम आदमी तक भी उनकी पहुंच रहे, उसके बारे में भी वो हमेशा सोचते थे। बेशक हर उद्योगपति अपनी कंपनी के बारे में तो सोचता है, लेकिन क्योंकि दयालु स्वभाव के थे रतन टाटा, ऐसे में अपने दयालु स्वभाव की वजह से, अपने परोपकारी स्वभाव की वजह से वो कभी भी आम आदमी के बारे में सोचना नहीं छोड़ते थे, और इसी वजह से उनके तमाम विजन्स में कई बार आम आदमी को भी आसानी से देखा जा सकता था कि किस तरीके से उसकी सफलता के बारे में भी वो हमेशा से विचार अपने दिमाग में रखते हैं, और उसी के तहत वो लगातार काम करते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है खुद टाटा नैनो जब लॉन्च की गई थी, तो इसी विजन के साथ उन्होंने लॉन्च की, ताकि जो आम इंसान है, जो आम आदमी है, जो चार पहिया वाहन तक नहीं पहुंच पाता या उसकी पहुंच इतनी नहीं हो पाती कि वो उसको ख़रीद पाए, तो उस तक भी वो गाड़ी पहुंचे और चार पहिया वाहन में अपने परिवार के साथ वो भी सफ़र कर पाए, इस विजन के साथ वो टाटा नैनो को लेकर आए थे। तो तमाम तस्वीरें लगातार उनकी हम आप तक यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष, उनकी ओर से भी रतन टाटा के निधन पर यहाँ पर शोक व्यक्त किया गया है। सीएम योगी की ओर से भी शोक व्यक्त किया गया, और जहाँ पर उनकी ओर से शोक तो व्यक्त किया गया, साथ साथ आपको ये भी बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी हमने कुछ देर पहले यहाँ पर आपको दिखाया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ट्वीट यहाँ पर सामने आया है, जहाँ पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा शून्य है पूरे भारत के लिए, पूरे उद्योग जगत के लिए, क्योंकि